दोस्तों टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ASP.NET C# with MVC ट्यूटोरियल्स, उनमें दोस्तों क्रिएट और न्यू प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप अपना ASP.NET with C# MVC पैटर्न पे अपना प्रोजेक्ट है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों कम्प्लीटली A to Z आपको प्रोजेक्ट है वो कैसे बनाना है, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कम्प्लीटली डिटेल में बताएंगे और प्रैक्टिकली भी विजुअल स्टूडियो में साथ में क्रिएट करते जाएंगे। तो उनमें दोस्तों आगे जैसे हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स के बारे में देखें तो हमारा डेफिनेशन रहेगी ऑनलाइन कार के बुकिंग सिस्टम, यानी कि एक हम जो ऑनलाइन कार के बुकिंग सिस्टम है वो एक वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, जिसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बात करेंगे तो वो रहेगी हमारे विजुअल स्टूडियो 2022 का IDE टूल्स है वो हमारा रहेगा। उसके बाद डेटाबेस टूल्स के बारे में बात करें तो MS SQL सर्वर में हम अपना जो डेटाबेस है उसको कम्प्लीटली बनाएंगे एंड उसको विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो ASP.NET रहेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी C# रहेगी एंड हम MVC पैटर्न्स पे पूरा काम करेंगे। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो पे एंड प्रोजेक्ट को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एंड कम्प्लीटली कैसे बनाना है वो पूरा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों आपको विजुअल स्टूडियो को अपने लैपटॉप या तो PC में है उसको इंस्टॉल कर लेना है विथ .NET फीचर के साथ। अगर आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाए इंस्टॉल हो जाए विजुअल स्टूडियो को ओपन कर देना है। जैसे आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो ऐसा जो पूरा इंटरफेस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। उनमें दोस्तों यहाँ पे जो राइट साइड फोर्थ ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनमें से जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट्स उस पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट्स का एक पेज मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको C# को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड एप्लीकेशंस के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हमें वेब एप्लीकेशन है उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जितनी भी जो वेब एप्लीकेशंस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड एंड जो C# लैंग्वेज में जहाँ पे वर्क होता है तो सारे यहाँ पे टेम्पलेट से वो आपके सामने शो हो जाएगी एंड आपको यहाँ से फाइंड करना है ASP.NET जो वेब एप्लीकेशंस वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क उस वाला जो ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो बटन्स मिल रहा है तो उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर योर जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो पेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का नेम, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स का जो नेम है वो दे सकते हैं। आप पर डिपेंड है कि आप जो भी नेम है वो दे सकते हैं, ऊपर कोई ऑफिशियल ऐसा नाम दीजिए जिसे कोई एरर्स ना हो सके। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कार कैब, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन यानी कि जो डायरेक्टरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ASP.NET ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन नेम्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यही रहने दे सकते हैं। उसके बाद आता है जो .NET फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपको .NET फ्रेमवर्क है उनको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट से है क्योंकि आप जब भी .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अगर ये वाला प्रोजेक्ट दूसरे जो लैपटॉप में आप रन करेंगे तो अगर उसमें जो फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट होगा तो प्रोजेक्ट्स रन होने में एरर्स आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे वो देख लेना है कि कौन से फ्रेमवर्क पे आप वर्क कर रहे हैं। लेटेस्ट दोस्तों 4.8 है लेकिन यहाँ पे मैं 4.7.2 वर्जन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शंस मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो टेम्पलेट्स वाला पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको वेब फॉर्म्स के टेम्पलेट्स मिलेंगे, MVC पैटर्न्स के टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिलेंगे, उसके बाद वेब API के मिलेंगे एंड सिंगल पेज एप्लीकेशंस आप बनाना चाहते हैं तो उसके भी आपको टेम्पलेट्स है वो मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे जो एम्प्टी टेम्पलेट्स है उसको सिलेक्ट रहने देना है एंड आपको यहाँ पे एड अ फोल्डर वाला जो ऑप्शंस मिलेगा तो वहाँ पे आपको MVC पैटर्न्स को सिलेक्ट रहने देना है क्योंकि आप MVC पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हुआ दिखेगा।
उसके बाद यहाँ पे रहते हैं जो लेफ्ट साइड है वो रहता है जो सर्वर एक्सप्लोरर, जहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो रहती है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो यहाँ पे पूरी जो राइट साइड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे रहती है। अगर दोस्तों आपके विजुअल स्टूडियो में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो शो नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे व्यू मेनू में जाना है एंड यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शंस आपको मिलेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर, उस पर क्लिक कर देना एंड आपको जो फिफ्थ नंबर पे मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर का, अगर सर्वर एक्सप्लोरर शो नहीं हो रहा है तो आपको सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें पैटर्न्स एमबीसी पे, तो एक आपको मेन फोल्डर मिलेगा जो कंट्रोलर्स का मिलेगा, जहाँ पे आपका जो कंट्रोलर है वो सेव रहेगा। उसके बाद एक मिलेगा आपको मॉडल्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपका जो डेटा मॉडल है वो सेव रहेगा। उसके बाद मिलेगा आपको व्यूज़ का मिलेगा, जहाँ पे आपकी जो डिज़ाइनिंग फाइल्स है वो सारी व्यूज़ में शो होगी। उसके बाद आपको एप अंडरस्कोर डेटा का एक फोल्डर मिल रहा है, जहाँ पे आपकी डेटाबेस की फाइल है वो सेव रहती है एंड एक आपको राउट कॉन्फ़िग की जो फाइल है वो आपको एप अंडरस्कोर स्टार्ट फोल्डर में मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे एक ग्लोबल डॉट एक्सपीएक्स पैकेजेस, जो पैकेज कॉन्फ़िग फाइल एंड जो एक वेब कॉन्फ़िग फाइल, तीन फाइल आपको और मिलेगी। तो आपको कंटेंट फाइल के लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लेना है, तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर है उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप कार कैब वाले जो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शंस पे आना है एंड यहाँ पे न्यू फोल्डर्स पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोल्डर का नेम है उसको क्रिएट करना है, तो आप फोल्डर का नेम क्रिएट करेंगे यहाँ पे कार कैब कंटेंट, दोस्तों कंटेंट नाम का जो हमने फोल्डर है उसको क्रिएट कर लिया, जहाँ पे हम अपनी जो CSS फाइल है, उसके अलावा इमेजेस फाइल है, फॉन्ट्स की फाइल है, तो वो यहाँ पे हम सेव करेंगे। उसके बाद आपको व्यूज़ वाले मेनू पे आ जाना है एंड यहाँ पे एक और लेआउट के लिए एक अलग से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, तो व्यूज़ पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शंस पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा जो MVC फाइल लेआउट पेज रेजर, उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सिंपल से आपका जो लेआउट पेज है उसका नेम है उसको रीनेम कर देना है। तो यहाँ पे हम लेआउट मास्टर, यूज़र मास्टर, हमारा जो फर्स्ट जो लेआउट पेज है उसका नेम हमने दिया है लेआउट यूज़र मास्टर। उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है ताकि जो लेआउट पेज है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। यहाँ पे देखिए आपका जो लेआउट पेज है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर्स है, तो कंट्रोलर्स को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे कंट्रोलर्स वाले फोल्डर्स पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शंस पे आ जाना है एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शंस आपको मिलेगा जो कंट्रोलर्स का, तो उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको MVC5 एम्पटी कंट्रोलर्स को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शंस पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कंट्रोलर्स का नेम है वो देना है, बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स नेम रहेगा, तो हम यहाँ पे उसको चेंज करके होम नेम दे देता हूँ एंड यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें हमारा जो कंट्रोलर से वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप रेफरेंसेस फाइल्स को देखें तो यहाँ पे जो फिफ्थ फाइल है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, एक यूजिंग सिस्टम, उसके बाद सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक यू, उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट वेब, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट MVC फाइल, तो वो हमें फाइव फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक डेटाबेस है उसको ऐड कर लेना है, तो सिंपल से यहाँ पे जो कार कैब पे आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे एंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड वाले ऑप्शंस पे आ जाना है एंड यहाँ पे न्यू आइटम्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डेटा वाला ऑप्शन है वहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से हमें SQL सर्वर डेटाबेस को लेना है एंड यहाँ पे जो डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस वन आपको मिलेगा, तो आपको उसको रीनेम कर देना है एंड यहाँ पे कारगेप DB। उसके बाद यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन है तो वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा तो वहाँ पे आपको यस कर देना है। यहाँ पे देखे दोस्तों हमारा जो डेटाबेस है वो ऐड हो चुका है, यहाँ पर आप सर्वर एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं।
एंड यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे भी देख सकते हैं, app_data नाम के फोल्डर में हमारा जो डेटाबेस है वो दिखेगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर्स पे आते हैं एंड यहाँ पे एक हमें जो इंडेक्स मेथड से बाय डिफॉल्ट गेट मेथड हमें इंडेक्स की मिलती है तो उसका एक हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे जो इंडेक्स वाली मेथड है वहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें एड व्यू पे आना है। उसके बाद हमें यहाँ पे MVC5 को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो लेआउट फाइल है उसको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो 3 डॉट्स आपको दिखेंगे तो वहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे व्यूज़ वाले फोल्डर्स पे आना है। उसके बाद यहाँ पे ओम नाम के व्यूज नाम के फोल्डर्स पे क्लिक रखना है एंड यहाँ पे आपको जो लेआउट यूज़र मास्टर को सिलेक्ट करना है एंड ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो एड वाला ऑप्शन है तो वहाँ पर क्लिक कर देना है ताकि जो लेआउट पेज है वो हमारे मेथड के साथ। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो इंडेक्स मेथड है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे लेआउट पेज पे आना है एंड यहाँ पे आपको मतलब हमें यहाँ पे आप जो मास्टर पेज की जो डिज़ाइनिंग है उसको कंप्लीट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल सा अभी एडर ले लेते हैं, एडर में एक टैग ले लेते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं एडर पार्ट। ओके उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं फुटर पार्ट, फुटर ले लेना है एंड यहाँ पे पी टैग ले लेनी है फुटर पार्ट। ओके दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पे इंडेक्स वाले मेथड्स पे आ जाना है एंड यहाँ पे हमें सेंटर टैग एक ले लेनी है सेंटर टैग। उसके बाद यहाँ पे br टैग स्लैश br स्लैश। ओके दोस्तों बाद फिर से यहाँ पे br टैग और br टैग। ओके उसके बाद यहाँ पे एक h1 टैग ले लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं कार कैब बुकिंग सिस्टम। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे जो मास्टर पेज की डिज़ाइनिंग है उसको ऐड नहीं किया, यहाँ पे सिंपल से टेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट सही से रन हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा मैंने यहाँ पे कोड सेव कर दिया है एंड सेव कर देना है एंड यहाँ पे जो रन वाला बटन दिख रहा है तो वहाँ पे क्लिक कर देना है।